अस्सलाम वालेकुम एंड हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। और आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज है 1 जनवरी और हम लोग जा रहे हैं आज टॉय ट्रेन, तो देखेंगे वहाँ पे क्या है। हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया है तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि टिकट मिलता है नहीं मिलता है। और मतलब ऑनलाइन तो बता तो रहे हैं मिलते हैं करके, तो वहाँ पे जाके देखेंगे। तो आज हम लोग शायद जाएंगे, अगर टॉय ट्रेन मिला तो हम लोग जाएंगे ऊटी से कुन्नूर टॉय ट्रेन में, और वापस भी ऐसे ही आना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी हम लोग यहाँ पे ऊटी में ही पार्क करके जाएंगे रेलवे स्टेशन में। और देखते हैं बाकी कहाँ जाना है। वैसे तो हम लोगों ने बहुत साल पहले ही, मतलब जब आयान था तब हम आए थे यहाँ पे, तो हम लोग तब 6 दिन के लिए आए थे, 6 डेज के लिए, तो तब हमने अच्छे से घूमा था। तो इस बार हम लोगों का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, सिर्फ बच्चों को ही मतलब लेके हमें टॉय ट्रेन में जाना था, खास करके इसी वजह से आए थे। तो आज वो हो जाए तो बाकी कल हम लोग यहाँ से रिटर्न। और कल हम लोग बोटानिकल गार्डन गए थे, आप लोगों ने तो वो वाला व्लॉग्स देखा ही है। आज शायद हम लोग शाम को जाएंगे रोज़ गार्डन, और हम लोग जाएंगे थोड़ा मार्केट में जाएंगे, थोड़ा सा चॉकलेट्स और कुछ देखेंगे मिलता है क्या है, मैग्नेट जो मैं लेती हूँ हर साल। तो कल मिला था पर 150 ऐसा कुछ बोल रहे थे तो इसलिए नहीं लिया। बोटानिकल के गार्डन मतलब एंट्रेंस के पास ही बेच रहे थे, तो आज मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या क्या मिलता है। और आसपास के नज़ारे देखिए बहुत खूबसूरत है। ये घर है और हम लोग जिस होटल में रुके हैं ये है, ये बैक साइड है, बैक साइड में हमारा मतलब बैल्कनी व्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 रूम है बैक साइड में, तो हमने उसी में से एक लिया है। और इस तरफ ये है फ्रंट का, मैं बाद में दिखा दूंगी, बाकी ये देख लीजिए। देखिए बहुत खूबसूरत है ना, एकदम जैसे फिल्मों में होता है। और ऊटी के घर तो ऐसे ही रहते हैं, तो ये है सेम ऐसा ही। और ये हेरिटेज हाउस है और उनका ये नया घर भी है, पर नया घर से ये हेरिटेज हाउस ज़्यादा अच्छा लगा हमें। तो यहाँ पे भी फ़ोटो लेंगे, पूछेंगे उनके पास अगर फ़ोटो ले सकते हैं तो बाहर ही फ़ोटो ले लेंगे, क्योंकि पूछना ज़रूरी है किसी का घर है। और साई के इस होटल का ओनर भी यही है, पता नहीं मतलब। और देखिए इस तरफ देखिए, वहाँ देखिए ऊपर कितना खूबसूरत फ्लावर लगाया हुआ है। और इन्होंने शूज़ पहनना भूल गई कि मतलब क्रॉप पहन के आ गए थे, तो इनको ठंड लग रहा था। यहाँ पे ठंड बहुत है बेंगलोर से कंपेयर मतलब करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ठंड है। मतलब हमें लगा था कल हम लोग जब आए थे तो धूप में मतलब गर्मी में आए थे ना, तो इसलिए हमें इतना ठंड नहीं लगा था। रात को बहुत ठंड हो गया था पर रूम में ज़्यादा ठंड है घर से मतलब बाहर, तो अब आज लेकिन क्या है ना, आज बाहर ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो इसलिए ये गए हैं शूज़ पहनने के लिए। तो आएंगे तो हम लोग जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और हमारे रूम से एकदम 15 मिनट्स दूरी पे ही है ये। और इस रेलवे स्टेशन का नाम एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि है उदागा मंडलम ऐसा कुछ है, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हुआ है तो सॉरी, माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे कुन्नूर के लिए, तो हम लोग कुन्नूर जाएंगे और 2-3 स्टेशन आएगा तब आप वहाँ, अगर डायरेक्ट कुन्नूर नहीं जाना चाहते तो पास के स्टेशन भी जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक गलती कर दिया ये कि हमें मॉर्निंग 8:30 ही आना था टिकट लेने के लिए। अगर आप मतलब मॉर्निंग आ जाते ना तो टिकट आपको अच्छे से मिल जाता, तो हम लोग ऑलमोस्ट मतलब 10:30 ऐसा कुछ हो गया था, जो कि एक 9 बजे चलता है यहाँ से, एक सुबह के और एक दोपहर के 12 बजे और एक 2 बजे और एक है 7:30, तो वहाँ से भी सेम ऐसा ही है। पर हमने ये गलती कर दिया कि हमने टिकट नहीं लिया। आप चाहे तो ऑनलाइन में भी ले सकते हैं, पर हमने बाद में ऑनलाइन में देखा था तो हमें नहीं मिला ऑनलाइन में तब। तो कुछ आप एक दिन या 2-3 दिन पहले ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, या फिर सुबह मतलब 8:30 बजे से पहले आप रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए, फिर उसके बाद टिकट ले लीजिए, आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये हमने गलती कर दिया। तो ये देखिए पूरा मतलब जो ये रेलवे स्टेशन है ऊटी का, तो वहाँ का व्यू है बहुत खूबसूरत व्यू है। पहले ये वाला इंजन चलता था, तो अभी मतलब म्यूज़ियम जैसे म्यूज़ियम में रखते हैं ना, तो ऐसे रख दिया है। तो फिर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। तो ये लाइन पे रुक मतलब टिकट काउंटर के लाइन में थे, और यहाँ पे ना 12:59 मतलब 9 बजे, पूरा 9 बजे नहीं छोड़ता है,
ट्रेन, तो ट्रेन छोटा है 9:15 या फिर 12:15 या फिर 2:15 ऐसे जो टाइमिंग है, और टिकट आपको 9 बजे ही मिलता है, तो 9 बजे ही काउंटर ओपन होता है, 9 बजे जाने मतलब 9:15 जो जाएगा। अगर 12 बजे जाना है, 12:15 में जाना है, तो आपको 12 बजे ही मतलब टिकट काउंटर ओपन होगा। तो ये एक है मसला, और वो एक और प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा टिकट नहीं रहता है, सिर्फ 5 to 6 या मैक्सिमम 10 टिकट ही रहता है। अगर आप लाइन में बहुत पहले है तो आपको टिकट आराम से मिल जाएगा, पर अगर आप लाइन में बहुत पीछे है तो आपको वो चांस एकदम कम मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, ऑनलाइन बुक कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो सुबह 8:30 बजे से पहले पहुँच जाइए टिकट लेने के लिए। हमने पहले गलती ये किया, और क्या होता है कि आपको सिर्फ जाने का टिकट यहाँ से करना पड़ेगा। अगर रिटर्न टिकट करना है तो एक ही साथ में नहीं कर सकते, तो वहाँ से करना पड़ेगा। अगर कन्नूर से आना है या फिर मेट्टू, और एक स्टेशन है मेट्टुपालयम करके, तो वहाँ से भी आपको लेना है तो वापस वहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो जिस स्टेशन से आप आ रहे हैं वहाँ से ही आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट भी हमने जनरल में ही लिया है, जनरल में आपको ये है 80 रुपीज़ है पर पर्सन, और 5 रुपी बिलो 5 ईयर्स का टिकट नहीं है। इनाया का भी लिया था क्योंकि इनाया 6 ईयर्स की है इसीलिए, और अगर आप दूसरा कंपार्टमेंट में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 280 या 290 था पर पर्सन, पर हमने सोचा था वो वाला ही टिकट लेंगे, पर हमें नहीं मिला क्योंकि हमने जो मतलब ऑलरेडी हम लोगों का देर हो गया था वो एक है, और हमने टिकट बुक नहीं किया था इसकी वजह से ये मिल गया था। पर वापस आने के टाइम हमें कन्नूर से टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बोला टिकट तो यहाँ पे नहीं है, आप टीटी के साथ बात करके देखिए, मिला तो मिल जाएगा, पर जनरल जो टिकट 80 रुपीज़ है वो टिकट ओटी अगर टीटी देंगे तो वहाँ पे आपको 400 या 450 पर पर्सन देना पड़ेगा। पर हमने वो भी कोशिश किया था तो उन्होंने बोला नहीं आज के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ से 4 बजे ही मतलब लास्ट ट्रेन है, और ऊटी से 5 बजे एक लास्ट ट्रेन है ऊटी से कन्नूर तक, और कन्नूर से जो लास्ट ट्रेन है वो 4 बजे का ही लास्ट ट्रेन है। तो उन्होंने बोला आप कल सुबह निकल जाइए, तो हमने बोला नहीं कल सुबह तो हम लोग को बेंगलोर निकलना है, और हमारा जो होटल है वो ऊटी में है, तो प्लीज़ कुछ फैमिली है बच्चे हैं, तो रिक्वेस्ट भी हमने बहुत किया, पैसा चाहिए आप ज़्यादा ले लीजिए पर हमें दे दीजिए, 2 टिकट दे दीजिए, हम लोग बच्चे को गोद में लेके ही चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं जनरल में भी नहीं है और सेकंड क्लास में भी नहीं है, तो नहीं मिलेगा, सॉरी माफ़ कर दीजिए, नहीं तो आप वापस आप कैब लेके चले जाइए या फिर आप टुमोरो मॉर्निंग ही जाएंगे, ऐसा मतलब टुमोरो मॉर्निंग में ही मिलेगा। तो ये है लोटी लेक का व्यू, देख लिया आप लोगों ने, तो हम लोग निकल गए यहाँ से कन्नूर के लिए, तो ये एक मसला हो गया था। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी सुबह में ही टिकट कर लीजिए। अगर आप 8:30 मतलब मॉर्निंग 8:30 टिकट लेंगे ना तो आपको रिटर्न के टिकट भी तब मिल जाएंगे, पर बाद में अगर जाएंगे 8:30 बजे के बाद या फिर 9 बजे के बाद, तब आपको सिर्फ एक साइड का ही टिकट मिलता है, बाकी वापस जिस मतलब स्टेशन में आप उतरेंगे या फिर जिस स्टेशन से आप आना चाहते हैं तो वहाँ से आपको फिर से टिकट लेना पड़ेगा, ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग टनल मिल गया है, देखिए गुफा, तो यहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे थे। मतलब हमारे साथ ऐसे नहीं, बहुत सारे फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब उन लोगों का भी, उन लोगों ने भी सेम हमारे जैसे ही गलती किया था, तो फिर हमें पता नहीं वो लोग कहाँ कैसे गए, पर हमने कैब पूछा तो बाहरी कैब मिल जाएंगे आपको स्टेशन के बाहर, कन्नूर के कन्नूर में भी मिलेंगे आपको, ऊटी में भी मिलेंगे कैब। तो वहाँ पे पूछा तो वहाँ पे बोल रहे थे कन्नूर से ऊटी जाने के लिए आपको 2600 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो हमने बोला ठीक है हम लोग 1200 रुपये देंगे, आप जा रहे हैं तो बोलिए ऐसा करके, इतना दूर भी तो नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। तो बोला नहीं आपको 2200 रुपीज़ का फिक्स प्राइस है, लास्ट प्राइस है, आपको यही देना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है नहीं चाहिए, आप जाइए, हम लोग कहीं और आगे जाके देख लेंगे। तो हाँ वहाँ पे पूछा तो आपको वहाँ पे बोला किसी मतलब जो लोकल लोग हैं, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही 10-15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कन्नूर का बस स्टैंड है, तो बस वहाँ से भी बस जाता है ऊटी के लिए, तो आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो हमने सोचा ठीक है हम लोग बस में ही चले जाते, फिर ऑटो वाला मिला, तो ऑटो वाला ने बोला आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए मैं लेके चला जाऊँगा।
तो हमने बोला नहीं भैया थोड़ा कम कीजिए कम कीजिए, ऐसा बार्गेन किया तो हमें 700 रुपीज़ में उसने हमें ऊटी में छोड़ दिया था। तो वो ऑटो वाला भैया बहुत ही अच्छा था, तो उन्होंने हमारा बहुत सारा फ़ोटो भी क्लिक किया और कराया, और हमें थोड़ा मतलब व्यू पॉइंट जो रास्ते में मिला था उन्होंने रुक के हमें दिखाया भी, गाइड की तरह गाइड भी किया था। तो हमने मेरे हस्बैंड ने 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी पे कर दिया था, वो हमारी मर्ज़ी से हमने पे किया था। तो ये फर्स्ट स्टेशन आया है, ये है क्या था नाम स्टेशन का, तो ये है फर्स्ट स्टेशन, तो इसका नाम है लवदेल। तो यहाँ से इसके बाद ऑर्डू स्टेशन आएगा, उसके बाद कुन्नूर स्टेशन आ जाएगा। तो यही था हमारा मतलब ट्रेन का स्टोरी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप हो सके फैमिली के साथ जा रहे, अकेले जा रहे, कपल जा रहे, प्लीज़ ऑनलाइन टिकट कर लीजिए या फिर सुबह जल्दी उठ के टिकट करा लीजिए। जिनको नहीं मालूम है उनको, ताकि हमने जो गलती किया है आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, और हमें वो ऑटो वाला भैया अच्छा वाला मिल गया था तो कम रेट में भी हमें मिल गया था, क्योंकि किसी किसी के पास हो सकता है पैसा इतना नहीं है, बजट में ही मतलब घूमने के लिए गए हैं तो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसके लिए
तो फाइनली हम लोग 1 घंटे के बाद यहाँ पहुँच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 3:15। तो हम लोगों ने वहाँ से छोड़ा था 2:15 PM, क्योंकि हमें 12 बजे ट्रेन नहीं मिला था, तो इसलिए हमें 2 बजे का ट्रेन लेना पड़ा था, तो इसीलिए। और जैसे जैसे हम लोग कुन्नूर आ रहे थे, तो कुन्नूर की तरफ आ रहे थे ऊटी से, तो इतना खूबसूरत व्यू मिल रहा था फॉग के अंदर से, और मतलब पहाड़ों के बीच से हम लोग आ रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। और अभी तो सीज़न है नवंबर दिसंबर जनवरी, और हम लोग आए हैं, आज है 1 जनवरी 2024, तो उस दिन मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया था, हमें ऑटो लेना पड़ा था रिटर्न के लिए, हमें ट्रेन टिकट नहीं मिला था, तो इसलिए हम लोग कुन्नूर से ऑटो में आ रहे थे ऊटी के लिए। और यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू मिला था, सीनिक व्यू मिला था, व्यू पॉइंट मिला था। तो ये ऑटो वाले भैया को दिल से थैंक यू हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, जो इन्होंने हमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत रास्ते से हमें लेके आए थे शॉर्टकट से। और 1 घंटा भी नहीं लगा था, 45 मिनट्स के अंदर ही हम लोग पहुँच गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत स्पीड चलाया था, एकदम एक लिमिट में चलाया था। तो देखिए हम लोग सारों एकदम पूरा ऑटो में जा रहे थे, तो हमें लगा नहीं था, क्योंकि ऊटी में ठंड था, पर दिन के टाइम में इतना ठंड नहीं रहता है क्योंकि धूप था, तो इसलिए हम लोगों ने स्वेटर मतलब पतला पतला ही लेके आए थे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। बच्चों को तो हम लोगों ने पहना के ही लाए थे, जैकेट अच्छे से पहन के आए दोनों। तो मैंने सिर्फ एक स्टॉल लिया था और हस्बैंड ने एक एकदम पतला सा जैकेट पहना था। तो वापस जाने के टाइम में हमें ये एक व्यू पॉइंट मिला था, और यहाँ पे एंट्री के लिए 10 रुपीज़ लिया था, और 10 साल के ऊपर मतलब कोई भी जाएंगे तो 10 रुपीज़ है। तो इनाया को ऐसे भी डर लग रहा था, तो सेफ्टी था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब उस दिन ज़्यादा फॉग था, तो इसकी वजह से हमें इतना मतलब व्यू पॉइंट ठीक है, पर शायद उस दिन ज़्यादा फॉग हो गया था, तो इसलिए हमें इतना अच्छे से दिखाई नहीं दिया था। अगर फॉग नहीं होता तो शायद बहुत खूबसूरत व्यू और भी मिल जाता, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हमें अच्छा ही व्यू मिला था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे, पहले हम लोग गए स्टेशन, हमने गाड़ी लिया, और गाड़ी लेने के बाद हम लोग आ गए हैं ऊटी में रोज़ गार्डन में। तो अभी यहाँ पे एंट्री फीस कितना था, 40 रुपीज़ एडल्ट, और बच्चों का 20 रुपीज़। तो यहाँ पे हस्बैंड गए थे टिकट लेने के लिए, फिर हम लोग जाएंगे अंदर रोज गार्डन की तरफ।
रात के 10:33 और मैं दिखाती हूँ ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आया अपना इंग्लिश का असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है, कल ही करने वाला था पर कल हम लोग जो बेंगलोर से आए थे बहुत थक गए थे तो रात को हिम्मत नहीं हुआ तो इसलिए नहीं कर पाए। और दिन में आज तो हम लोग घूमने के लिए चले गए थे तो इसलिए अभी आके खाना वाना खा लिया है हमने। तो आके अभी ना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे और ना यहाँ पे उसका आयन का स्केच पेंसिल के साथ जो बसा हुआ पेपर है उसके साथ खेल रही है। और मिस्टर यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आज भी ऑफिस का काम जो यहाँ पे लेके आया है, शाम को भी थोड़ा सा किया था और अभी भी यही कर रहे हैं। शायद कुछ रिपोर्ट बना रहे। और इनका स्टील बॉडी देखिए, स्वेटर मैंने कब ही दे दिया, यहाँ पे जैकेट भी है ब्लैंकेट भी है पर ठंड बहुत है यहाँ पे, पर ये नहीं पहन रहे अभी, देखते हैं। हाँ बर्फ है पूरा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो कल हम लोग पाइकरा होके जाएंगे घर, तो पाइकरा फॉल्स जाएंगे तो कल का ब्लॉग्स में देखिए। तो इस वीडियो में आज के लिए यही था, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग्स में। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।